हिमाचल मिड डे मील वर्कर्स यूनियन जिला मंडी ने अपनी मांगों को लेकर सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा। सीटू के जिला सचिव गुरदास वर्मा ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर्स द्वारा आज सेरी चांदनी पर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत से शेल्टर होम में मिड डे मील वर्कर्स को खाना बनाने का काम दिया गया है और इसकी एवज में सरकार द्वारा मिड डे मील वर्कर्स को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा रहा। सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं गुरदास वर्मा, सीआईटीयू जिला सचिव और ये जो मिड डे मील वर्कर्स यूनियन है इसका जिला का प्रभारी भी हूँ। आज जो ये प्रदर्शन पूरे देश के अंदर जो मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑल इंडिया की जो है उसके आह्वान पर ये जो है जिला हेडक्वार्टर ब्लॉकों के अंदर जगह जगह ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि ये जो एक महामारी जो कोरोना वायरस जो फैला है देश के अंदर उस वजह से जो काफ़ी लोगों का रोज़गार छिन गया है। हमारा जो मिड डे मील वर्कर है वो चाहे महिला है चाहे पुरुष है उनका भी रोज़गार जो है छिन रहा है और इनको जो वितरण प्रणाली के तहत जो राशन मिलना चाहिए था वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है और अभी सरकार जो एक फरमान जारी कर रही है कि इनका जो वेतन है उसको बंद किया जाएगा जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये कैसे अपना जीवन कैसे अपना परिवार को चलाएंगे, इसके तहत भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरा जो अभी 31 अक्टूबर 2019 को एक माननीय हाईकोर्ट का एक फैसला आया था कि इन्हें जो है 12 महीने का वेतन दिया जाना चाहिए जबकि इन्हें 10 महीने का ही वेतन मिलता था, लेकिन अभी सरकार उस फैसले को पलटने के लिए भी कोर्ट में चले गई है कि ये जो हम तो अभी 12 महीने का तो क्या है जो 10 महीने का भी 1300 रुपये इन्हें जो मिल रहा है उसको भी हम काटने की तैयारी कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।